हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आज हम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं विद प्रोग्राम के साथ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ये एक ही ऑपरेंड पर वर्क करता है, यानी इसमें यूनरी, इसे यूनरी ऑपरेटर भी हम बोल सकते हैं क्योंकि जो यूनरी ऑपरेटर होता है उसमें एक ही ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए जो हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ये भी एक ही ऑपरेंड पर वर्क करता है। अगर हम यहाँ पर देखें इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट जो हमारे ऑपरेटर होते हैं इसे हम यूनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, और जो हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं ये दो दो प्रकार के होते हैं, यानी इनके भी टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है इसका फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो सिर्फ एक ही ऑपरेंड पर वर्क करते हैं और इसमें क्या होता है एक एक वैल्यू क्या होती है इंक्रीज होती है बाय वन, यानी कि एक वैल्यू ही इंक्रीज की जाती है वन टाइम में, यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर में। तो इसमें टू टाइप्स के होते हैं हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसमें से फर्स्ट होता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर और सेकेंड होता है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। फर्स्ट अगर हम देखें तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसमें हमारा जो सिंबल होता है इंक्रीमेंट का वो क्या, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को सिंपल सा प्लस प्लस होता है और डिक्रीमेंट का माइनस माइनस होता है। तो प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट यानी जिसमें क्या हो, सबसे पहले इसमें क्या हो वैल्यू चेंज हो, वो हमारा क्या होता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी सबसे पहले क्या हो वैल्यू चेंज हो, वैल्यू चेंज जिसमें होती है वो हमारा क्या होता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। उसके बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाए यूज हो जाए। फर्स्ट हमारा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में सबसे पहले हमारे ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, यानी जो हमारा ऑपरेंड होता है उसकी वैल्यू चेंज होती है, उसके बाद वो वैल्यू क्या होती है यूज की जाती है। और जो हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है इसमें क्या होता है पहले पुरानी वाली वैल्यू यानी जो पहले डिफाइन की रहती है वो क्या होती है वही वैल्यू क्या होती है यूज होती है, उसके बाद सेकंड बार क्या होती है फिर चेंज होती है। यानी दोनों का आंसर सेम आता है लेकिन जो मेमोरी में इसका वर्क होता है वो डिफरेंट होता है। अगर हम देखें प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में सबसे पहले हमारी ये कुछ मेमोरी बनती है, इसमें क्या होता है ऐसे ब्लॉक बने हुए होते हैं जिसमें से अगर हमने यहाँ पर क्या डिफाइन कर दिया ए इक्वल, यहाँ पर 5 मैंने क्या कर दिया डिफाइन कर दिया ए की वैल्यू और मैंने क्या कर दिया इसको प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया इसमें, उसके बाद मैंने उसे बी नेम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया और प्लस प्लस मैंने क्या कर दिया ए कर दिया, यानी कि ए की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया। तो यानी प्लस प्लस ए का मतलब ये नहीं होता कि डबल वैल्यू डबल प्लस लगा हुआ है, तो यानी कि प्लस वन ऐड हो जाना चाहिए ए में। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए यानी कि ए की वैल्यू 5 है तो ए प्लस वन यानी कि 5 प्लस वन इक्वल 6 हो जाना चाहिए, यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए 6 आंसर हमें मिल जाना चाहिए, 1 इंक्रीज होगी वैल्यू। तो सबसे पहले ये क्या होता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में वैल्यू चेंज होती है, यानी मान लीजिए यहाँ पर कोई एक ब्लॉक बनेगा जिसका यानी एक वेरिएबल यहाँ पर कोई एक ब्लॉक लेगा, उसके बाद इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है, 5 इसमें क्या हो जाएगी स्टोर हो जाएगी। उसके बाद क्या होगी यहाँ पर फिर जैसे स्टोर होगी उसके बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर चेंज हो जाएगी, और यहाँ पर कोई बी नेम का एक वेरिएबल है जो हमारा यहाँ पर कोई एक बी नेम की मेमोरी लेगा, यानी जो हमारा बी वेरिएबल है ये कोई मेमोरी लेगा, बट इसकी इसमें जो वैल्यू स्टोर होगी यानी यहाँ से जैसे हम प्लस प्लस ए करेंगे वैसे इसमें वैल्यू कब स्टोर होगी इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, पहले वैल्यू इंक्रीज होगी उसके बाद जा करके क्या होगी यूज होगी, यानी फिर बी वाले वेरिएबल में जाकर इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। यानी 5 है तो 5 प्लस 1 इक्वल यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी एक वैल्यू इंक्रीज होगी उसके बाद ये यहाँ पर बी वाला जो यहाँ पर ब्लॉक है इस ब्लॉक में जाकर ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर सेव हो जाएगी। इस प्रकार से क्या करता हमारा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क करता है, पहले इसमें क्या होता है वैल्यू चेंज होती है यानी ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी सबसे पहले चेंज हो जाएगी यानी 1 इंक्रीज हो जाएगी, उसके बाद फिर जो जिसमें हम उस वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं फिर वो वाली वैल्यू जा करके उसमें क्या हो जाएगी यूज हो जाएगी। तो यहाँ पर सिंपली सा हुआ क्या है ए की जो हमारा वेरिएबल था
इसका ब्लॉक क्या, इसकी ब्लॉक में सबसे पहले 5 वैल्यू जाकर स्टोर हुई, उसके बाद वो वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी, 1 इंक्रीज हो जाएगी। 1 इंक्रीज होने के बाद जो हमारा बी नेम का वेरिएबल है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं, उस वाले ब्लॉक में जा करके वो चेंज वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क करता है। अब हम देखते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर मेमोरी में कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए भी सबसे पहले हमारे पास ब्लॉक होते हैं। ब्लॉक क्या होते हैं, मेमोरी में ब्लॉक बने हुए होते हैं जिसमें जितनी बाइट्स का हमारा डेटा टाइप्स होता है उतनी बाइट्स वो मेमोरी लेता है। तो सबसे पहले इसमें ए एक ऑपरेट, एक ऑपरेंड है हमारा, ए क्या किया, एक ब्लॉक ले लिया। उसके बाद कहीं ना कहीं इसी मेमोरी में कहीं पर भी एक बी नेम का भी ब्लॉक बन जाएगा। उसके बाद ए की वैल्यू क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर भी हमें ए इक्वल 5 ही रखते हैं। उसके बाद क्या कर देते हैं, बी इक्वल ए प्लस प्लस, यानी पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम तो बी इक्वल ए प्लस प्लस कर देंगे। उसके बाद सबसे पहले इसमें क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है, 5 है। तो यहाँ पर सबसे पहले ए की वैल्यू 5 है, उसके जस्ट सबसे पहले हमारी मेमोरी में ए की वैल्यू जा करके स्टोर हो जाएगी। उसके बाद सबसे पहले इसमें वैल्यू पुरानी वाली ही यूज होती है, और फिर कहीं पर भी, कहीं पर हमारी मेमोरी में जाकर के एक ब्लॉक क्या बन जाएगा, बी नेम का, बी में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले यूज हो जाएगी, यानी 5 इसमें क्या हो गई, जाकर के स्टोर हो गई, यानी कि सबसे पहले यूज हो जाएगी वैल्यू। यूज होने के बाद क्या होगा, वो वैल्यू चेंज होगी यानी अपडेट होगी। उसके बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 वाली ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस यानी कि ए प्लस प्लस यानी 1 इंक्रीज हो जाएगी। 5 प्लस ए 1 इक्वल 6, यहाँ पर जैसे ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, उसके बाद जो V की वैल्यू थी ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी कि ये वैल्यू चेंज होकर के 6 हो जाएगी। फिर जब हम V को प्रिंट करते हैं यानी कि अपने ब्लॉक में, तो हमारा V इक्वल 6 प्रिंट होता है, यानी कि फिर हमें वो वैल्यू क्या मिल जाएगी, अपडेट होकर के 6 मिल जाएगी इंक्रीज होकर के। तो इस प्रकार से क्या करता है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में सबसे पहले वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है यानी 1 इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद वो वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो जाती है यानी यूज हो जाती है। पोस्ट इंक्रीमेंट में सबसे पहले वो पुरानी वाली वैल्यू क्या की जाती है, यूज की जाती है। उसके बाद वो वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, फिर से वो वैल्यू क्या हो जाती है, स्टोर होती है। तो इस प्रकार से प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारा वर्क करता है, जो कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर का पार्ट है। अब इसे हम कोड करके देखते हैं, कोड कैसे करेंगे इसकी हम। सबसे पहले ये हमारा बॉयलर प्लेट इतना कोड होता है जो पहले से ही हमें सारे प्रोग्राम में यूज़ करना होता है। सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट टाइप का, इंट ए इक्वल मैंने यहाँ पर कर दिया 5। उसके बाद मैंने कर दिया इंट बी इक्वल, जिसमें हमारी जो वैल्यू चेंज होकर आए वो क्या होनी चाहिए, स्टोर होनी चाहिए इंक्रीज होकर के। उसके बाद प्लस प्लस ए कर दिया मैंने, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्री इंक्रीमेंट है यानी प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कर देंगे इसे प्रिंट। इससे पहले हम इसे कर देते हैं प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ, उसके बाद हम लगाएंगे परसेंट डी, उसके बाद लिखेंगे हम बी को प्रिंट कर देंगे। बी को प्रिंट करेंगे तो जो भी वैल्यू इंक्रीज होकर के आएगी वो बी नेम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब F11 से कंट्रोल एस करने के बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली कंपाइल एंड रन हो गया, और हमारा जो आंसर रिटर्न हुआ वो 1 इंक्रीज हो गया, यानी 5 थी हमारी वैल्यू तो 6 हो गई। अगर 6 देते हैं आप तो 7 होगी इंक्रीज करके। अगर हम इसे यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर मान लो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 20 कर दिया। अब हमें इसका जो इंक्रीज होने के बाद आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 21 आना चाहिए, 21 यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब सेकेंड हम देखते हैं जो हमारा क्या था, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट इंक्रीमेंट में सबसे पहले हमारा वेरिएबल होता है, उसके बाद हमारा ऑपरेटर यूज किया जाता है। तो सबसे पहले ये क्या हो गया हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या होगी, हमारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी यानी पुरानी वाली ही यूज होगी। उसके बाद हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी। तो ये भी हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, सक्सेसफुली कंपाइल एंड रन हो गया। अब हम देखते हैं जो हमारा आंसर रिटर्न में मिलता है, क्या वो 21 मिलता है। यहाँ पर 21 हमें क्या मिलना चाहिए, आउटपुट मिलना चाहिए। अब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो आउटपुट आया है वो 20 आया है।
बट हमें पता करना है कि 21 क्या ये वैल्यू अपडेट हुई थी या नहीं हुई थी। तो इसलिए सबसे पहले हमें ए को भी प्रिंट करना होगा, क्योंकि सबसे पहले ए की वैल्यू क्या होती है, इसमें अपडेट होती है, उसके बाद सबसे पहले ए की वैल्यू क्या होती है, यूज होती है, उसके बाद अपडेट होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, बी में सबसे पहले वही वैल्यू यानी कि सबसे पहले जो पुरानी वाली वैल्यू थी यानी 20 ही जाकर के यूज हो गई है, स्टोर हो गई है, उसके बाद ए की वैल्यू क्या हुई है, अपडेट हुई है। अगर हम यहाँ पर ए को भी प्रिंट करके देखें तो हमारा आउटपुट क्या आता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ए को भी प्रिंट करना होगा, प्रिंट एफ लिखा मैंने, उसके बाद सेम प्रोसेस लिखेंगे परसेंट डी, न्यू लाइन के लिए बैक स्लैश एन लगा दिया ताकि दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट हो। ए को भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ से प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमने अपने प्रोग्राम को क्या किया, रन किया, और हमारा प्रोग्राम क्या हो रहा है, कंपाइल एंड रन हो रहा है। अब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा आउटपुट जो आया है, इससे ये पता चलता है कि सबसे पहले जो ए की वैल्यू थी यानी ए 20, वो सबसे पहले क्या हुई है, बी वाले में क्या हो गई, यूज हो गई है पुरानी वाली वैल्यू 20, यहाँ पर ये प्रिंट हो गया है। उसके बाद ए की वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हुई है 1। तो उसके बाद इसके लिए ए की जो वैल्यू थी हमारी वो 21 प्रिंट हो रही है, बट जो बी की वैल्यू थी वो 20 ही प्रिंट हो रही है, क्योंकि जो हमारे मेमोरी में इसका वर्क होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, अगर हम इसे देखें फिर से तो सबसे पहले इसमें ये होता है, सबसे पहले हमारी जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, सबसे पहले हमारी वैल्यू यहाँ पर यूज हो जाती है बी वाले में, उसके बाद बी वाले में यूज होने के बाद हमारे ए की वैल्यू क्या होती है, 1 इंक्रीज होती है। तो इसलिए सबसे पहले हमारा यहाँ पर ए की वैल्यू 20 थी, तो सबसे पहले बी वाले में ये वैल्यू क्या हुई, यूज हो गई, 20 प्रिंट हो गया हमारा। उसके बाद फिर अगर हम ए को देखेंगे तो फिर ए की वैल्यू इंक्रीज होकर के क्या हो गई, 21 हो गई। तो इस प्रकार से पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारा वर्क करता है। ये था आज का हमारा टॉपिक, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का हमने फर्स्ट यानी कि दोनों टाइप्स को डिस्कस किया, जो था प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।